Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start with scientific revolution. We came across cognitive revolution, we started with it. Then we moved to agricultural revolution. आज हम बात करेंगे scientific revolution. ये मेरा personal favorite कह सकते हैं segment है सारी book का, because it relates with your environment and scientific revolution and what is a responsible consumerism, etc. So this will be I can say my minute contribution to the environment if I can change your thought process through this video. इसके अलावा वी हैड ऑल्सो सीन सम ऑफ द अदर रेवोल्यूशंस लाइक जेंडर रेवोल्यूशन, लाइक मनी रेवोल्यूशन या मेंटल रेवोल्यूशन. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की. एंड पिछले वीडियो में वी इंट्रोड्यूस्ड टू क्वेश्चंस विच आस्क्ड क्यों साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है यूरोप से ही निकला. ठीक है, व्हाई इट वॉज डेवलप्ड और फर्स्ट स्टार्टेड इन यूरोप या यूरोपियन रिलेशंस, वहीं से कोलोनाइजेशन क्यों बिगिन हुआ एंड व्हाई इट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली. तो उनके जवाब हमको मिलते रहेंगे और उन जवाबों के थ्रू फिर फाइनल जो हमारा वीडियो रहेगा, एक और वीडियो इसके बाद आएगा, तो दैट वी विल इंट्रोड्यूस कि किस तरह के चेंजेस हैं, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ होमो सेपियंस. ठीक है, वी बिगैन सेइंग दैट सेपियंस एज अ नॉर्मल इनसिग्निफिकेंट एनिमल और वो आज भगवान बनने के ऊपर तुला हुआ है. ठीक है, तो उस सारी जर्नी को हम रिकैप करते हुए सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे. तो आज बढ़ते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन में. 1500 AD के टाइम पे पॉपुलेशन कुछ जो देखने को मिलती थी, दैट वॉज अराउंड 500 मिलियन, बट टुडे दैट इज टुडे रादर 6-7 years back दैट वॉज 2015 तक 7 बिलियन, 14-fold उसमें पॉपुलेशन में राइज हुआ. लेकिन प्रोडक्शन में जो है 240-fold राइज हुआ, कंजम्पशन में 115. मतलब यहाँ पर आप सबसे बेसिक चीज़ जो नोट करना करना चाहिए यहाँ से कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू बिकम कंज्यूमर्स एंड देन हेंस द टर्म कंज्यूमरिज्म, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ सप्लाई, दे वॉन्टेड टू क्रिएट डिमांड एंड दैट डिमांड वॉज क्रिएटेड थ्रू वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स एंड एटसेट्रा. दैट इज हाउ द कैपिटलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म वर्क्स हैंड इन हैंड टुगेदर. आगे भी हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे. सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो होता है यहाँ पर, इट इज द फर्स्ट एटोमिक बॉम्ब दैट वॉज डिस्कवर्ड. इसने हिस्ट्री को ना सिर्फ बदला है बट खत्म भी कर दिया है एक तरीके से. ठीक है, दैट वॉज लाइक द बिगिनिंग, क्योंकि उसके पहले तक वॉर वॉज समथिंग दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स. ठीक है, वॉर से ही मालथूसियन थ्योरी अगर आप देखें तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो यू नो थ्रू वेरियस मीन्स द नेचर वॉन्ट्स टू बॉइल डाउन द पॉपुलेशन. यस, लेकिन वो चीज़ वॉर किया करती थी, वॉर का काम था. लेकिन वॉर बिकेम मोर एक्सपेंसिव और रादर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. पीस वॉज मोर प्रॉफिटेबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एटोमिक बॉम्ब एंड द होल कोर्स ऑफ द हिस्ट्री चेंज्ड. राइट, अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है, इट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस, इट इज़ नॉट द रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज. अगर आप रिलीजन की बात करें, वो क्या कहते हैं, सारी चीज़ों का जवाब आपको फलाना किताब में मिल जाएगा. दैट इज़ वॉट रिलीजन्स टेल, रिलीजन्स टेल, राइट. मेजर रिलीजन्स, बीट इन फैक्ट ऑल द रिलीजन्स स्पेश एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ देम हु वॉन्ट यू टू एनहेंस योर क्यूरियोसिटी. दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, हम उसमें नहीं जाएंगे. बट रिलीजन एज सच इज लाइक यू नो एवरीथिंग एंड वॉट यू डोंट नो यू डोंट डेल्व इन टू दैट. ओके, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप क्यूरियस नहीं हो सकते. ये सारी चीज़ें जो है रिलीजन, एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ अ स्टैटिक एलिमेंट. ठीक है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं आपके रिलीजन वर्सेस साइंस में, आपके सिलेबस में. ठीक है, यूनिट 5. नाउ साइंस इज समथिंग दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. दैट इज वाई द साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज टर्म्ड एज द रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस, इट इज नॉट द रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज. ओके, बिकॉज यू आर इग्नोरेंट यू वॉन्ट टू नो मोर एंड हेंस द साइंटिफिक रेवोल्यूशन हैपन्स. ठीक है, दिस इज वन थिंग. साइंस रिलाइज ऑन रिलीजन टू जस्टिफाई एंड फाइनेंस इट्स रिसर्च. अब ये सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स जो हैं आप आपके यूनिट 5 में कोट कर सकते हैं. दैट इज वाई एम गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस. अदरवाइज मैं आपको जो चीज़ें आपके सिलेबस में काम नहीं आएंगी उनको मैं बस ब्रीफली बता रही हूँ. जो आपको लिखने हैं वो आप थोड़ा डिटेल में सुन लीजिए. तो साइंस रिलाइज ऑन रिलीजन टू जस्टिफाई एंड फाइनेंस इट्स रिसर्च. साइंस अकेला नहीं काम करेगा, ये हम आगे भी देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेट करते हुए. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग उसके पीछे एक पावरफुल जो सोर्स है उसका हाथ होता है. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन से समथिंग ए एंड बी, तो उस केस में जो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी आपके पॉलिटिक्स आपके इकोनॉमिक्स में वही चीज़ को आप प्रमोट करते हैं. तो लाइकवाइज पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन, दीज थ्री आर द सोर्सेज दैट हेल्प द साइंटिफिक रिसर्च टू हैपन कि किस डायरेक्शन में वो मूव होना चाहिए. अदरवाइज साइंस इज न्यूट्रल. यस, साइंस न्यूट्रल है, वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है. लेकिन बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वॉट आर वी गोइंग टू डू एंड रिसर्च अपॉन, वो चीज़
डिटरमाइन करती है आपका पॉलिटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स एंड योर रिलीजन. ठीक है, ये एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है, रिलीजन को आप कैसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हो? इट इज थ्रू योर ओरल हिस्ट्री. ठीक है, थ्रू स्टोरीज, बाय नरेटिंग स्टोरीज. बट हाउ आर यू गोइंग टू गिव साइंस टू द नेक्स्ट जनरेशन? थ्रू प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, थ्रू प्रॉपर फॉर्मूले. यस, अब ये एक एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, वेबस्टर एंड वॉलेस फंड. ठीक है, इसको स्कॉटिश विडोज भी कहते थे. तो दिस वॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग बिकॉज उन्होंने, मतलब एक तरह से स्कॉटलैंड में या स्कॉटिश विडोज के नाम से ये फंड स्टार्ट किया गया था कि जो भी विडो हो जाते हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, एंड प्रॉपर कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स बेसिस पे करते हुए सबसे थोड़ा थोड़ा लेके उनके पास एक कॉर्पस फंड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉर्पस फंड तैयार हो गया था. सो दिस इज वॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकली जनरेटिंग वेल्थ इज. ठीक है, उसी के साथ हमको देखने को मिलता है साइंस ऑफ डेमोग्राफी. दिस इज ऑल्सो नथिंग बट यू डिटरमाइनिंग हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू लिव, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग टूडे, हाउ आर यू एबल टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन ऑफ 2030 और 2050. ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना, ये सारी चीजें कैसे? थ्रू स्टैटिस्टिक्स, थ्रू द साइंस, साइंटिफिक डेटा. डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑल्सो वॉज द साइंटिफिक थियोरी, एक तरह से कह सकते हैं. ठीक है, लामार्क की इतनी साइंटिफिक नहीं थी, डार्विन की कही जाती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर कोटिंग साइंस. अब ये एक चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बॉन्ड बिटवीन साइंस, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. यहाँ पर रिलीजन का भी आप एड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट डज साइंस गिव टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स? इट गिव्स न्यू पावर्स टू देम बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस, न्यू डायमेंशंस दैट इट एंटर्स अपॉन. व्हाट डज इट गेट फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स? इट गेट्स रिसोर्सेस, कि पैसा मिलेगा, किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो चीज़ आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन आपको बताएगा. ठीक है, वही चीज़ मैं आपको दोबारा बता रही हूँ. अब सबसे पहले हमने देखा कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, अब हम देख रहे हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में वी आर एडमिटिंग दैट वी आर इग्नोरेंट एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू गेन वॉट वी आर गेनिंग नाउ. देन ऑब्टेन न्यू नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिक्स. ये हमने ऑलरेडी बात कर दी, ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिक्स के थ्रू. एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू पावर्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी. दिस इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. ठीक है, अब जो काम की चीज है जो आप कोट कर सकते हैं आपके आंसर्स में इज दिस वन, एनिमस कॉम्प्लेक्स इन सिंपल सोसाइटीज. ठीक है, एनिमस कॉम्प्लेक्स हम सब जानते हैं, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. जब आपको लिखना है कोई कंटेम्प्रेरी चीज उस टॉपिक पे या कहीं और, तो आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स बना है. ठीक है, इनके इंटीग्रेशन, इनके कोलैबोरेशन के थ्रू हमारी मॉडर्न सोसाइटीज जो है रन हो रही हैं, जैसे सिंपल सोसाइटीज एनएमएस कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रेशन के थ्रू रन हो रही थी. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वैल्यू एड. अब साइंस जो है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों है. ठीक है, ऑफेंसिव कैसे है? एटॉमिक बॉम्ब के थ्रू. डिफेंसिव कैसे है? थ्रू प्रोटेक्शन, थ्रू योर ऑल द डिफेंस इक्विपमेंट्स दैट यू डेवलप. ठीक है, सो इट इज बोथ. अब ये सारे ना इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है, आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप इसको कोट कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल प्लेसेस दैट यू कैन यूज दिस दीस टर्म्स. ओके, अमेरिकंस बिलीव सॉल्यूशन टू टेररिज्म इज टेक्नोलॉजिकल नॉट पॉलिटिकल. जनरली हम क्या मानते हैं? पॉलिटिक्स. पाकिस्तान, जस्ट फॉर द नेम सेक, पाकिस्तान टेरर हब है, अफगानिस्तान में टेरर ज्यादा है. ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया के रीजन में ज्यादा है. बट द सोल्यूशन डज नॉट लाइन पोलिटिकल डूइंग समथिंग, जो अमेरिका अभी तक कर रहा था. टेक्नोलॉजिकल एरिया और डोमेन इज वेयर द सोल्यूशन टू टेररिज्म लाइज. ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम साइंस के थ्रू? वी कैन डेवलप बायोनिक फाइल्स. आगे भी हम देखेंगे इन सारी चीजों के बारे में. इफ यू रिमेंबर 2021 में क्वेश्चन आया था आस्किंग अबाउट द न्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग या समथिंग रिलेटेड टू दैट. ठीक है, हाउ विल यू डायग्नोज पेरेंटिंग, प्रॉबेबली लाइक दैट. सो उसी तरह के न्यू डायमेंशंस या न्यू चीज़ें बताई गई हैं, तो वो हम मोस्ट प्रॉबेबली कल वाले लेक्चर में देखेंगे अबाउट साइबॉर्ग इंजीनियरिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नेवरदलेस, तो साइंस के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं? डेवलप बायोनिक फ्लाइज एंड थॉट रीडिंग स्कैनर्स, उनके थ्रू भी रेवोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, अब 19th सेंचुरी तक मिलिट्री रेवोल्यूशंस जो हैं ऑर्गेनाइज होते थे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बेसिकली कह सकते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू. लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है दैट इज टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, दैट इज वाई हेंस द नेम द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ठीक है, अब यही चीज है जो मैं बोल रही थी, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंटरट्वाइंड है, या कह लो कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इंटरट्वाइंड है. ठीक है, अब ये चीज आपको समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि कैपिटलिज्म का क्या मतलब है. यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग मनी, यू आर जनरेटिंग मनी, मनी वॉन्ट्स टू बाई मोर मनी, दैट इज कैपिटलिज्म. यस, नाउ कैपिटलिस्ट ओनली हैव प्रोड्यूस्ड सो मच दैट यू हैव टू. कैपिटलिज्म के साथ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म स्प्रेड द कैपिटलिज्म ऑफकोर्स, लेकिन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, उसके लिए यू नीड अ कंज्यूमरिज्म टू हैपन.
ठीक है, नीचे आई थिंक एक डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. बट दिस इज वॉट द होल सर्कल इज अबाउट. ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट पॉवर्टी, ये हमारे सोसाइटी के टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं पेपर वन में. पॉवर्टी दो तरह की होती है, सोशल पॉवर्टी एंड बायोलॉजिकल पॉवर्टी. बायोलॉजिकल पॉवर्टी की अगर बात करें तो हमने इरेडिकेट कर ली है, वी नो मोर सफर फ्रॉम वॉर्स, फेमाइंस एक्सेट्रा, ठीक है वो चीज़. लेकिन सोशल पॉवर्टी, क्योंकि वो सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, उसको कभी मतलब इरेडिकेट नहीं किया जा सकता. ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कि पॉवर्टी के नॉट बी इरेडिकेटेड, या इस तरह की स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल पॉवर्टी. अदरवाइज वी हैव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आवर सेल्फ सो मच दैट बायोलॉजिकल पॉवर्टी इज नो वेयर दैट वी कैन सी. ठीक है, नेक्स्ट सेनेसेंस में और क्या चीज़ें हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन में करने की कोशिश की है या करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सेनेसेंस. सेनेसेंस हमारा टॉपिक है यूनिट 10 में. ठीक है, उसमें हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्लोइंग एजिंग. अब एजिंग को स्लो करना एक बात है, लेकिन द जाइगेंटिस टास्क इज टू डिफीट डेथ. ठीक है, द ह्यूमंस वॉन्ट टू डिफीट डेथ, दे वॉन्ट टू लिव लाइक इमोर्टल्स. ओके, बट नीचे हम देखेंगे इमोर्टल्स नहीं होता है, अमोर्टल होता है, बिकॉज इमोर्टल मीन्स यू विल नेवर डाई. बट हियर वी आर ट्राइंग टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड इंक्रीज द लाइफ स्पैन, सो दैट यू विल ऑब्वियसली डाई इफ यू कम अक्रॉस एन एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, बट यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग, दैट इज थ्रू सेनेसेंस. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजिंग, उसके थ्रू जब आपकी मौत होती है, जो नेचुरल डेथ है उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल डेथ है, किसी तरह से एक्सीडेंट होना हो जाना वगैरह वगैरह, उनको हम नहीं रोक सकते. तो इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है गिलगमेश प्रोजेक्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि द प्रोजेक्ट ऑफ डिफीटिंग डेथ और लिविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं, उन्होंने वर्म्स का तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल कर दिया है, तो कोशिश है जारी कि ह्यूमंस का भी कर पाएं, तो वी नेवर नो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हैं आपके वहाँ पर काम आती है, और ये मैंने टर्म्स ऑलरेडी समझा दिए हैं आपको. ह्यूमंस कैन बी इमॉर्टल, दैट इज लिविंग इनडेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ फेटल ट्रॉमा, किसी तरह का ट्रॉमा ना हो, किसी तरह की फेटलिटी ना हो तब. ठीक है, इमॉर्टल्स नहीं हम बन सकते. नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन मॉडर्न रिलीजन्स जो हैं, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, ये सारे लोगों ने डेथ के सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है. व्हाट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इधर एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन ऑफ डेथ, अदरवाइज फोकसिंग ऑन डिफरेंट एरिनाज ऑफ लाइफ. दे नो लॉन्गर टॉक अबाउट हेल एंड हेवन, आफ्टर वॉट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे एंशियंट रिलीजन्स बात करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज का जो रिलीजन्स है, दैट इज कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, फेमिनिस्ट एक्सेट्रा, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी. ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा, तो वो सारे रिलीजन्स इन सारी बातों के बारे में जानना नहीं चाहते. एंड दिस इज अगेन द सेम थिंग दैट आई वाज टॉकिंग, साइंटिफिक स्टडीज आर फंडेड बिकॉज समबडी बिलीव्स दे हेल्प अटेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस गोल. तो यही चीज़ पोस्ट मॉडर्निज्म में आप कोट कर सकते हैं, यू कैन कोट द बुक नेम, ऑथर नेम ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर, अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगेन मोर और लेस द सिमिलर टॉपिक. ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मॉडर्न इंपीरियलिज्म, दे बोथ आर इनसेपरेबल. ये पॉइंट जब आपके जहन में बैठ जाता है, तो यू कैन यूज दिस वन थिंग एट मल्टीपल प्लेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुक्स साइंटिफिक एक्सपेडिशन उन्होंने किया था. ठीक है, तो उसके पहले जो है, जब भी वो वॉयेजेस लेके जाते थे, तो स्कर्वी से काफ़ी सारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं या जो जो लोग भी वहाँ पे वॉयेज करते थे, तो उनकी मौत हो जाया करती थी. तो उन्होंने जो है साइंटिफिकली ये कॉन्कर किया कि किस तरह से सिट्रस फ्रूट्स खाने से या रखने से अपने पास और उनको खाते रहने से डाइट इंक्लूड करना चाहिए, उस तरह का. सो उसको नाम दिया गया नॉटिकल डाइट. और व्हाट हैपेंड थ्रू कुक्स एक्सपेडिशन, दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू ब्रिटिश कॉलोनीज बेसिकली उन्होंने जो है खोजनी स्टार्ट की. ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं. देन जो मेन क्वेश्चन था हमारा कि क्यों यूरोप में ही स्टार्ट हुआ ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, एक तरह से कहें तो इंडिया और चाइना में क्यों स्टार्ट नहीं हुआ. ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि वो टेक्नोलॉजी को वैल्यू करते थे. अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की ड्यूरिंग 1775, ठीक है, 80% ऑफ द होल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल मार्केट सारा एशिया के हाथ में था. ठीक है, यूरोप वॉज नोन टू बी टेक्नोलॉजिकल ड्वार्फ या इकोनॉमिक ड्वार्फ. बट वॉट चेंज, द हंगर फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइंस. ठीक है, एंड द वॉन्ट फॉर ओवर प्रोडक्शन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपनिंग देयर. सो ये सारी चीजें, एंड द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर दैट वॉज हैपनिंग, द एंकरेजमेंट ऑफ द एम्पायर देमसेल्व्स टू सेट देम आउट, ये सारी चीजें हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वाई डिड यूरोप स्टार्ट यू नो कॉलोनाइजिंग एंड एटसेट्रा. तो वही पॉइंट्स है,
मेजरली कि किस तरह से साइंस और एम्पायर जो है इंटरट्वाइंड होते हैं, किस तरह से यूरोपियंस यू नो दे डिड नॉट लिमिट टू द नॉलेज, जैसे इंडियंस जो थे, जो उनके पास नॉलेज था तो वो वहीं तक सीमित रह गए, ठीक है, दे डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लोर मच, बट दीज पीपल हैड दैट क्वेस्ट टू एक्सप्लोर मोर, सो दे डिड, ठीक है, दे वॉन्टेड टू गो टू द अननोन लैंड्स, दे वॉन्टेड टू नो वॉट इज देयर, दे वॉन्टेड टू बेसिकली प्रॉस्पर, एंड हंगर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, इवन इफ ये बात आपके एग्जाम में भी बहुत ही एप्टली फिट होती है कि इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ मोर टैलेंटेड, ओके, इट इज़ अबाउट हु इज़ मोर हंग्री टू गेट दैट पोस्ट ऑफ IAS, ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पर भी, और यही सारी चीज़ें हैं बेसिकली, हम वही बातें घुमा रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है, आप पॉज करके जो है ये फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कोट, बट आई हैव जस्ट मेंशन इट फॉर यू, इफ यू कैन यूज इट समवेयर एल्स यू कैन डू दैट, ठीक है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यही सारी चीज़ें. अब जो मेन बात है, बिकॉज ऑफ दिस मैरिज बिटवीन एम्पायर एंड साइंस वॉट हैपेंड इज रेसिज्म जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, स्लेव ट्रेड, ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे थे, इट गॉट रिप्लेस्ड विथ कल्चरिज्म, हम अब कल्चर के टूवर्ड्स मूव कर गए, जैसे 1950s के दौरान आपका कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल भी डेवलप होता है, ठीक है, इफ़ यू मस्ट हैव रेड, तो कल्चरिज्म बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, रेसिज्म डज नॉट, राइट, तो अभी इसलिए हम कहते हैं इट इज़ इन देयर ब्लड, ठीक है, पहले हम कहते थे इट इज़ इन देयर ब्लड, आज हम कहते हैं इट इज़ इन देयर कल्चर, राइट. नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं Unit 3 Paper 1 में, ठीक है. अब यहां पर जो आपको लिखना है, इट इज अबाउट दिस वन पैराग्राफ दैट यू कैन कोट, स्मॉल शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन्स, दैट वॉज द थिंग इन द प्री मॉडर्न एरा, लेकिन आज जो है हाई टैक्सेस एंड टैरिफ्स में कन्वर्ट हो रहा है. सो इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, पहले फ्यूचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं था क्योंकि वॉर जोन्स ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो कम क्रेडिट दिया जाता था, स्लो ग्रोथ होती थी, लेकिन जब आपको पता चल गया कि पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, दैट इज़ व्हाई दे से यू नो कि अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है या इस तरह की चीज़ें करनी है तो आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी वहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट हियर, पहले वॉर्स हुआ करते थे तो लिटिल ट्रस्ट कम होता था, कम पैसे मिलते थे, ग्रोथ स्लो होता था, लेकिन अभी क्या है, फ्यूचर के ऊपर भरोसा है, ठीक है, तो फ्यूचर के ऊपर भरोसा है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ग्रोथ फास्ट होगी, दिस इज द होल नटशेल कि आज की जो हमारी इकोनॉमी रन हो रही है उसके थ्रू. दूसरी चीज़ है, पहले हम जो है एक तरह से कह लो कि वी वर मोर फ्रूगलिस्टिक इन नेचर, लेकिन आज जो कैपिटलिज्म के थ्रू, जो ओवर कंज्यूमरिज्म के थ्रू हम जो करते हैं, दैट इज मोर pushing us towards the extinction of our resources, ठीक है, तो major focus किस पे है, profit को increase करने पे major focus है, ठीक है, collective wealth को बढ़ाने में ज़्यादा focus है, तो अभी जो है if और इसका मतलब क्या है कि पहले आपके पास छोटा केक था तो आप कम लोगों में बांट पाते थे, तो अगर आज आपको दिलदार बनना है तो आपको आपका केक भी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, सो दिस वन स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज इवन इन योर एथिक्स इज egoism इज altruism, ठीक है, पहले मतलब खुद के बारे में सोचिए, खुद का बड़ा कीजिए, तब आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे, दिस इज व्हाट इट इज गेटिंग इनटू, सो प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन, दिस इज द न्यू एथिक्स, ठीक है, पहले जिस तरह से जो मेरे पास है उसको भी मैं दान दे दूं, इस तरह से जो कर्ण का दान था उस तरह का दान आज का एथिक्स नहीं मानता है, आज का जो न्यू एथिक्स है, प्रॉफिट जो आपने कमाया है उसको री इन्वेस्ट कीजिए प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन से जो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी फिर वो दूसरे लोगों के लिए काम आएंगी, दिस इज द न्यू एथिक्स, ठीक है. अब दूसरा ये पॉइंट आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, ठीक है, कैपिटल वो जो आप प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करें, वेल्थ वो जो आप अनप्रोडक्टिव चीजों में यूज करते हैं, ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन योर एनीथिंग, ठीक है, SIP है या म्यूचुअल फंड्स है या स्टॉक्स है, व्हाटएवर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग योर कैपिटल, बट इफ यू हैव वेल्थ एज इन यू हैव एन आईफोन, दैट इज योर वेल्थ, ठीक है, दैट इज अनप्रोडक्टिव बिकॉज दैट इज गोइंग टू मैक्सिमम 2 साल चलेगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी वेल्थ इन इटसेल्फ, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, राइट. अब कैपिटलिस्ट जो है परपेचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, हमने इमेजिन रियलिटीज के बारे में पहले देखा था कि कोई भी चीज़ जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है दिस में कॉमर्स में, राइट, सो
वो क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है हमेशा चलता रहे, इस हिसाब से वो बनता है. कैपिटलिस्ट ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है परपेचुअली होती रहेगी. दैट इज वाई दे कीप ऑन एडिंग मनी टू द इकोनॉमी, राइट? बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स क्यों प्रिंट कर रहे हैं मनी? क्योंकि दे ऑल्सो बिलीव दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू रन. बट साइंटिस्ट पुट द बिल, मतलब एक तरह से है कि साइंटिस्ट, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन के जिस डायरेक्शन में मूव करने को बोलेगा, साइंटिस्ट उसी डायरेक्शन में जो है अपना रिसर्च वगैरह करेंगे. ठीक है, तो ये अगेन द सेम थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर प्रॉफिट्स. ओके, नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू हैव टू नोट डाउन, कन्वर्जन ऑफ हीट टू मूवमेंट. ठीक है, हीट एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. अब एनर्जी के चेंज होने से हमने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को एक तरह से इनफाइनाइट कर दिया है. यही चीज जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मेन क्रक्स है. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो पहले जो है हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, आज हम ओशन एनर्जी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है. हाउ डिड दैट सॉल्व? ठीक है, पहले हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल्स थे, लेकिन हमने इन्वेंशंस के थ्रू नए रॉ मटेरियल्स को जेनरेट किया, प्लास्टिक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम. इससे जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इमेंस हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन टर्म एज रेवोल्यूशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. तो ऊपर हमने देखा साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है, इट वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस. लाइकवाइज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द रेवोल्यूशन इन एनर्जी कन्वर्जन. ओके, दिस इज समथिंग दैट इज पाथ ब्रेकिंग ओवर हियर. अब क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, प्लास्टिक वगैरह, ये सारे क्यों ज्यादा यूज में आए? बिकॉज दे वर ड्यूरेबल, ऑल्सो बिकॉज दे वर चीप. चीप तो रहेंगे बिकॉज दे वर प्रोड्यूस्ड इन मास नंबर्स. तो जब चीप एंड अबंडेंट हमारे पास रॉ मटेरियल्स है तो हमारी प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज हुई? इमेंसली. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्लाइटली, पहले ऑलिव ऑयल जो है ओरिजिनल हमारा मॉइस्चराइजर हुआ करता था. हमारे भी इंडिया में वी यूज टू यूज कोकोनट ऑयल्स और रैदर जो मलाई होती थी, वो सारी चीजें हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज करते थे. बट taking example of olive oil alone, it is more of a pricey thing if you go for the original, right? But if you use the similar kind of products, adding chemicals and other raw materials and making a moisturizing cream, you can produce more, lot of people can use, and you are not even completely destroying or extinguishing the resource that is olive oil, right? तो इस तरह से human productivity का बढ़ना हुआ, abundance बढ़ना हुआ, जिसके वजह से consumerism काफ़ी डेवलप हुआ. उसके अलावा क्या हुआ नेगेटिव्स की अगर बात करें तो अटलांटिक स्लेव ट्रेड हो या एनिमल इंडस्ट्री जिस तरह से यू नो पैक्ड स्लॉटर हाउसेज में होते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज वी हैव हेट्रेड टुवर्ड्स द स्लेव्स और दोज एनिमल्स, इट इज़ बिकॉज वी आर इंडिफरेंट, वी डू नॉट फील दैट दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड दे ऑल्सो फील वॉट वी वुड फील इफ वी वर इन द सेम सिचुएशन. तो ये चीज़ एक आप कहीं ऐड कर पाएं तो आप लिख सकते हैं. अब दूसरा है कि बिकॉज वी मैकेनाइज, ये बात हमने पहले भी वीडियोज में कही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीड एंड एनिमल्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से अगेन एग्रो प्रोडक्शन में भी काफी राइज हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फूड इज ऑल्सो अबंडेंट. और ये बात भी हमने पहले करी है कि फूड के रिलेटेड जब भी टॉपिक आए तो नेवर से दैट वी हैव फूड शॉर्टेज, वी हैव फूड अबंडेंस, इट इज जस्ट दैट वी मिसयूज द फूड रिसोर्सेज, दैट इज वाई वी feel shortage at some places and excess at some places. Okay? That is why there is obesity is much of a danger than the malnutrition. Okay? The undernutrition, basically. अब जो क्रक्स जो मैं बोल रही थी कि क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, दैट इज वाई द एज ऑफ शॉपिंग केम इन टू एग्जिस्टेंस. तो ये जो फैंसी वर्ड्स है ये आप जरूर यूज कीजिएगा आपके आंसर्स में, सो यू विल डेफिनेटली हैव एन एक्स्ट्रा एज. अब किसी भी चीज को, जैसे इमेजिन रियलिटीज को झूठ के साथ स्टार्ट किया गया था, सब लोगों ने साथ में उसको कलेक्टिवली इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी बनाया, एंड दैट इज व्हाई इट केप्ट ऑन मूविंग. नाउ इफ दैट फेथ इज लॉस्ट, देन दैट इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी इज नो मोर देयर, राइट? लाइकवाइज टू सस्टेन दिस मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वी हैव टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग. प्रोड्यूस किया, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, उसको कंज्यूम कीजिए. एंड अब कंज्यूम नहीं अगर कर रहा है कोई, बोल रहा है कि मैं अपने इसमें संतुष्ट हूँ, देन देयर विल बी सोसाइटल प्रेशर कि कितना कंजूस है, नॉट स्पेंडिंग मनी, नॉट गोइंग ऑन हॉलीडेज, बट दैट इज नॉट वॉट इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस, राइट? अगर आप उनकी और बुक्स पढ़ें या उनके मेडिटेशन के ऊपर देखें, उन्होंने भी विपाशना किया है इस बुक के ऑथर ने, तो वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज समथिंग दैट इज जनरेटेड विद इन, इट इज नॉट एट ऑल इन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट वी सीक हैप्पीनेस इन द मटीरियलिज्म. व्हाई? बिकॉज the society has painted that thing on ourselves, ki advertisement ke through and
बार बार चीजों के थ्रू, जैसे यहाँ पर भी है, हिस्ट्री में हम स्केर्सिटी एंड फ्रुगैलिटी को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन मॉडर्निटी में ओवर कंजम्पशन. क्यों? पॉपुलर साइकोलॉजी. एक साइकोलॉजी हमने पहले पढ़ी थी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इफ यू रिमेंबर इन पास्ट ऑफ द वीडियोस. यहाँ पर है पॉपुलर साइकोलॉजी, मतलब ब्रांड के नाम पे, टैगलाइन के नाम पे, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे ऊपर आपको थोपते रहते हैं. यू डू नॉट नीड इट बट यू हैव, यू टेंड टू बाई इट. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू फील, मतलब यू वॉन्ट टू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, अदरवाइज आपको एकदम पिछड़ा हुआ मानते हैं वॉट सो एवर. ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है SDG काम आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म. थिंक ट्वाइस बिफोर यू बाय, ऑल्सो थिंक कहाँ से ये बना है. देर इज अ मूवी, अ ब्यूटिफुल मूवी, द प्राइस ऑफ फ्री, समथिंग रिलेटेड टू दैट. आई थिंक कैलाश सत्यार्थी की उनके लाइक उन्होंने ही वो किया है. सो दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल मूवी दैट हेल्प्स यू टू यू नो रिस्ट्रिक्ट योर एक्सपेंसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मार्केटिंग इतने हद तक बढ़ गया कि हमारे जो रिलीजियस हॉलीडेज थे जैसे क्रिसमस एक्सेट्रा, दे हैव ऑल्सो बीन कम्प्लीटली कैपिटलाइज. ओके, उनको शॉपिंग फेस्टिवल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. मान लो कि आप क्रिसमस मनाते भी नहीं है, बट यू विल गो एंड डू शॉपिंग ड्यूरिंग दोज क्रिसमस फेस्टिवल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. सो ये चीज़ है. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म के लिए डबल विक्ट्री हो रही है. कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म दोनों एक तरह से टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. आप कैपिटलिज्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूमरिज्म के थ्रू बाई करते हैं, बाई करते हैं इसलिए फिर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं. मतलब ये इस तरह से चेन चलता रहता है. ठीक है, तो कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म आर द फर्स्ट रिलीजन्स जहां पर लोग एक्चुअली वही चीज करते हैं जो उनको कहा गया है. अदरवाइज जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें कहा गया है कि चोरी मत कीजिए, ये सारी चीजें मत कीजिए, बट पीपल डू एग्जैक्ट द ऑपोजिट. जो उनको कहा गया है कि नहीं करना वो चीज करते हैं, और जो नहीं करनी वो करते हैं. सो समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हमारा जो ग्रीन एंड ब्लू प्लैनेट था रिसोर्सेज से भरा हुआ, आज हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है कॉन्क्रीट एंड प्लास्टिक शॉपिंग सेंटर में. अब ये सारी चीजें आप एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से इसको कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको GS3 में भी मिल सकते हैं. अब किस हद तक जो है पूरे फेट ऑफ प्लैनेट का चेंज हुआ है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के थ्रू, ये हमको इसी ब्रीफ तीन पॉइंट्स में हमको देखने को मिलते हैं. जिराफ्स हुआ करते थे, ठीक है, 80,000 जिराफ्स. टुडे वी हैव ओनली कैटल्स. व्हाई? बिकॉज वी डोमेस्टिकेटेड कैटल्स ओनली, वी लेफ्ट अलोन देम. बट जिराफ्स का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होगा फूड चेन में, अगर आपने एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ा है. तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी इज नीडेड फॉर द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द स्पीशीज टू अकर. लेकिन हमने क्या किया, वी डोमेस्टिकेटेड आर फेवरेट्स और आर यूजफुल थिंग्स एंड वी लेट अलोन द रेस्ट. तो 80,000 जिराफ्स के बदले में हमको मिले 1.5 बिलियन कैटल्स. नाउ वी हैव टू फीड दोज कैटल्स ऑल्सो, माइंड यू. ठीक है, जिराफ्स अपना अपना देख लेते थे, बट कैटल को हमको फीड करना पड़ता है, ये भी चीज है. 200,000 वुल्स हुआ करते थे, आज हमारे पास है 400 मिलियन डॉग्स. चिम्स को हमने सारे मतलब मोस्टली डिस्ट्रॉय करके आज हमारे पास है 7 बिलियन सेपियंस. नाउ दीज पीपल वी चोज आर सेल्स टू बी इन लार्ज नंबर्स, बट दिस इज वॉट इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, इट इज हार्मिंग द अर्थ ऑल्सो. ठीक है, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट या सूनर और लेटर वी होपफुली विल डू. अब यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स स्केर्सिटी, ये भी एक तरह का डिबेट हम कह सकते हैं. जहां जहां ह्यूमंस गए, ये हमने स्टार्टिंग से बात की है कि जहां भी वो गए वहां उन्होंने एक्सटिंक्शन है. वो ऑस्ट्रेलिया गए, मार्सुपियल्स का एंड हो गया. ठीक है, वो जहां भी गए, ब्रिटिशर्स हमारे पास आए या किसी भी, जैसे ब्रिटिशर्स अंडमान एंड निकोबार में गए, वहां पे अंडमान्स का जो है पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गया. तो एक दिन ऐसा ना आए कहीं कि ह्यूमन काइंड विल एनिहिलेट इटसेल्फ, इस तरह का कहीं ना आए. और इसके बारे में होमो डेउस, उनकी जो दूसरी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है. कभी भी, जो मैं पहले भी बात करती हूँ, डाइवर्सिटी को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है, रिदमिक होना चाहिए, यू नेवर शुड बी मोनोटोनस. जो हम अभी भी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना कि टाइम टेबल से ये करना वो करना, दैट इज दैट यूनिफॉर्म एंड प्रिसाइज शेड्यूल इज नॉट वॉट ह्यूमन ब्रेन इज मेड फॉर. वी आर, हर चीज जो एक कह सकते हैं वेव्स में है, रिदम में है, तो हम क्यों चीजों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में या मोनोटोनस करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अपॉन. दूसरी बात है, पहले हम सारी चीजें हम खुद बनाते थे. जैसे इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ बैम्बू मैट, एज सिंपल एज बैम्बू मैट, आई विल होल्ड द बैम्बू, आई विल होल्ड द निटर्स ऑफ द बैम्बू एंड एवरीथिंग एल्स रॉ मटेरियल दैट इज नीडेड. बट टुडे इफ यू सी, हमारा कंप्यूटर कहीं और बनेगा, उसके अंदर की चिप्स कहीं और बनेंगी, उसको असेंबल कहीं और किया जाएगा, इस तरह से हो रहा है. दैट मीन्स वी आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट. एंड अगर इतने सारे लोगों के ऊपर आप इंटरडिपेंडेंट हैं, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बन एंड एवरीथिंग दैट शुड नॉट हैपन विल कीप ऑन हैपनिंग. सो दिस इज वॉट
इट इज़ अबाउट. एंड दूसरा, हमने अपने आप को इतना टाइम बाउंड कर लिया है कि पहले हम सनसेट और सनराइज को देखते थे. देर वर टू पॉइंट्स जिसके बीच में हमको काम करना होता था, और उन मतलब उस अदर एंड ऑफ द अरीना में हमको सोना होता था. इतना सिंपल सा हमारा जो है टाइम का वो था. लेकिन आज हमने हर सेकेंड हर मिनट को ब्लॉक वाइज कर दिया है एक तरह से देखे तो दिस इज मेकिंग अस मोर रोबोटिक. ओके, सो टू से. तो नाउ द ऑथर ऑफ दिस बुक इज नोन टू गिव सच रेवोल्यूशनरी आइडियाज. जनरली बोला जाता है कि इस तरह से करने से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, यू आर मोर एफिशियंट एंड एटसेट्रा, बट ही इज नोन फॉर हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज. सो लेट अस रेस्पेक्ट हिज आइडियाज इवन इफ यू डू नॉट अबाइड बाई इट. दिस इज वॉट द ऑथर हैज सजेस्टेड. सो इफ यू लाइक इट यू कैन राइट इट इन योर आंसर, इफ नॉट यू कैन लीव इट. ओके, नाउ जो मेजर चीजें हुई हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस यू कैन कोट इट इन एनी ऑफ योर जीएस एंड ऑप्शनल और ऐसे एनीवेयर. सबसे पहला, इंडस्ट्रियल टाइम को हमने इंपॉर्टेंस देने लगे. ठीक है, द जॉब इज कंसिडर टू बी 9 to 5 और वॉट एवर. ठीक है, एक लिमिटेड स्लॉट में इतने दिन आपको काम करना होता है. लेकिन उसी तरह से हमने कंपेयर किया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वॉज मच बेटर इफ यू कंपेयर इट विद द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट सीजनल आप काम करते हैं. ठीक है, बाकी टाइम आपके पास लीजर होता है, फेस्टिवल्स मनाते हैं. उसके उससे भी अच्छा अगर हम इफ यू मूव फर्दर बैक, हंटिंग एंड गैदरिंग, हफ्ते में 2-3 दिन वो शायद हंटिंग पे जाते थे, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू चिल आउट, विच वॉज मोर स्ट्रेस फ्री लाइफ. दैट वॉज, बट वॉज दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड? नो. सो यहीं पे हमारा जो डिबेट है घूमता रहता है. इंडस्ट्रियल टाइम हमने जोन कर दिया है. नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ पेजेंट्री, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी कॉमन. यूथ कल्चर जो है, पहले जो है इट वॉज मोर ऑफ एन एल्डरली कल्चर. आप जो आपके बड़े बोलेंगे उसको सुनेंगे, लेकिन आज जो है इंडिविजुअलिज्म के थ्रू टूवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं, यूथ कल्चर के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं. तो दैट इज समथिंग. डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेट्रियार्की इज हैपनिंग, कोलैप्स ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें आप फैमिली वाले सेगमेंट में भी यूज कर सकते हैं, कहीं अर्बनाइजेशन फेमिनाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आता है. तो न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, लोकल कम्युनिटी, ठीक है, इस तरह का जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं बैंड, ट्राइब, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन कोट इन योर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. जैसे मिंग एम्पायर है, ठीक है, वो फॉलो करते थे बाओजिया सिस्टम. बाओजिया सिस्टम मतलब कि 10 फैमिलीज यूनाइट होकर जिया बनती थी, 10 जिया यूनाइट होकर बाओ बनते थे, और वो बाओ जो है अपना खुद का एम्पायर चलाते थे. ठीक है, तो ये चीज़ है. इसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स अगेन द सेम थिंग, ये आप नोट कर सकते हैं कि ऊपर हमने देखा हाउ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो है हमारा स्लो ग्रोथ हुआ करता था. लाइकवाइज द सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर फॉलो करें बिटवीन फैमिली, कम्युनिटी एंड स्टेट मार्केट वगैरह, तो स्टेट सॉरी फैमिली और कम्युनिटी जब स्ट्रांग होंगे तो स्टेट एंड मार्केट बहुत वीक होंगे. ठीक है, उसकी वजह से इंडिविजुअल्स वीक होंगे, तो दैट इज वाई दे विल नीड यूनिटी. लेकिन जब फैमिली एंड कम्युनिटी वीक होगा, और ये चीज़ हो रही है मॉडर्न सोसाइटी में कि फैमिली एंड कम्युनिटी का वैल्यू जो है कम हो रहा है, स्टेट एंड मार्केट का ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं. यू विल नेवर सी अ कम्युनिटी विच इज स्ट्रॉन्गर. ठीक है, इंडिविजुअल्स आर राइजिंग, यू आर नॉट सीइंग द होल. जैसे अभी लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अंबानी इटसेल्फ, कि अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, विच ग्रो टू द टॉप मोस्ट, मुकेश अंबानी इंडिविजुअल, नॉट द होल फैमिली. आप नहीं कहते कि अंबानी बड़े हो गए. ठीक है, आप नाम इंडिविजुअल का ही लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज. अब लास्ट थोड़ा सा बाकी है, इमेजिन कम्युनिटीज. आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट हियर ओनली, ताकि कल हमारा शॉर्ट सा वीडियो हो और उसके बाद ही कंक्लूजन वाला वीडियो आ जाए. एंड देन बिकॉज वी आर मूविंग हेडिंग टुवर्ड्स अनदर सीरीज नाउ, सो लेट्स कंप्लीट दिस ऑल्सो. इमेजिन कम्युनिटीज, अब हमने स्टार्टिंग में इमेजिन रियलिटीज की बात की, फिर बीच में हमने इमेजिन एम्पायर्स की भी बात की, आज हम बात करेंगे इमेजिन कम्युनिटीज की. ठीक है, हमने हमारी जो कम्युनिटीज हैं हमारे ही नेशनल और कमर्शियल नीड्स के थ्रू बनाई है. ठीक है, किंगडम्स हो, चाहे चर्चेस हो, नेशन हो, कंज्यूमरिज्म हो, ये सारी चीज़ें हमने हमारे इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी या झूठों से ही बनाई है. ठीक है, किसी का कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने आर्टिफिशियली उनको क्रिएट किया है और बनाया है. ये चीज़ भी आप कोट कर सकते हैं, स्विफ्ट एंड रेडिकल रेवोल्यूशंस ऑफ लास्ट 200 ईयर्स हैव चेंज्ड द हार्ड एंड रिजिड सोशल ऑर्डर इनटू डायनामिक एंड मैलियबल नेचर. मतलब जो हम चीज़ों को, जैसे कास्ट सिस्टम है, हम उसको रिजिड मानते थे, बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द सोशल ऑर्डर, दीज थिंग्स आर अगेन गेटिंग डायनामिक. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कास्ट इज अ क्लोज्ड सोशल ऑर्डर, वो चीज़ आप लिख सकते हैं. दूसरा, ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुअलिज्म में आप ये सोशल एलिमेंट डाल सकते हैं आपके 1.4 यूनिट में, कि किस तरह से ग्रेजुअली जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए. ग्रेजुअली होना मतलब रेवोल्यूशन नहीं होना, लेकिन पंक्चुअलिज्म होना मतलब एक ही शॉट में जब चेंज होते हैं कुछ, उसको हम कहते हैं स्विफ्ट या रेडिकल रेवोल्यूशंस. जो चीज़ें हमको अभी देखने को मिल रही हैं, ग्रेजुअली अगर चेंज हो रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल. पंक्चुअली चेंज होना मतलब रेवोल्यूशन का होना. ठीक है, आज तो हम एवरी डे रेवोल्यूशन देख रहे हैं. ठीक है, जो
10 साल के पहले हमको पता नहीं था कि इंटरनेट क्या होता है, आज रेवोल्यूशनाइज हो चुका है वो, ठीक है. लाइक वी नेवर इवन इमेजिन उस तरह से वो चीजें कल्मिनेट हुई हैं. देर इज वन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि किसी भी पॉजिटिव चीज का नेगेटिव आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव चीज का एटलीस्ट वन पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए. लाइकवाइज न्यूक्लियर वेपन्स का पॉजिटिव क्या है, इट इज द वन सुपर पावर दैट विथहेल्ड द कलेक्टिव सुसाइड. मतलब एक तरह से कह लो कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह नहीं बनते तो आज भी हम वॉर ही करते रहते. लेकिन जब इस तरह का डिस्ट्रक्टिव चीज इन्वेंट हो गया तो नाउ वॉर्स हैव स्टॉप्ड. नाउ बोथ द पार्टीज फियर कि अगर हमने कुछ किया तो इट वुड बी अ कलेक्टिव सुसाइड एंड बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू डाई. सो इट इज बेटर वी बोथ कीप आवर माउथ शट, राइट. सो दिस इज वॉट द पावर इज. इसलिए कहा जाता है कि जिन्होंने अटोमिक बॉम्ब को मतलब आर्किटेक्ट हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो उनको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए. ओके तो ये चीज है. और दूसरा, अगेन दिस इज द सेम थिंग कि वॉर जब रिसीड होता है तो ट्रेड फ्लरिश होता है और हमारा जो पीस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है. क्योंकि वॉर का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू बी पीसफुल, ठीक है. तो दिस इज वॉट हैज हैपेंड. अगेन दिस एग्जैक्ट डायग्राम यू कैन कोट इट एनी वेयर इन योर आंसर्स, बी इट वर्ल्ड हिस्ट्री और एनी वेयर जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए. अब सबसे लास्ट सेगमेंट है, क्या इस तरह का पीस हमको खुशी दे के गया या नहीं, ठीक है. कि हमने इतनी सारी चीजें एक्युमुलेट कर ली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और द साइंटिफिक रेवोल्यूशन हैपेंड, आर वी हैप्पी टुडे और वर वी हैप्पी यस्टरडे. ऑफ कोर्स वी वर हैप्पी यस्टरडे. डिड वी फील हैप्पी व्हेन वी पुट अ फुट ऑन द मून, और डिड वी फील मोर हैप्पी व्हेन समबडी पुट हैंड पेंटिंग ऑन द शॉर्ट केव और एनी केव जो भी उन्होंने पेंटिंग की. दोनों ही तरह के एक तरह से कह सकते हैं रेवोल्यूशन ही हैं, लेकिन कौन सी ज्यादा हमको खुशी देता है, ठीक है. समथिंग दैट इज प्लेजरिंग आर आर्टिस्टिक और सेंसेस, नॉट द मटीरियलिज्म. दैट इज, सी यू नेवर गेट हैप्पी बिकॉज यू गॉट अ न्यू फोन. यू गेट हैप्पी बिकॉज ऑफ दोज हॉर्मोन्स दैट आर चेंज इन योर बॉडी विच आर रिलीजिंग दैट हैप्पीनेस थिंग विद इन योर बॉडी. ओके तो ये चीज हैप्पीनेस से रिलेटेड. आप आई थिंक हैप्पीनेस से रिलेटेड 2014 में और समथिंग एथिक्स में भी क्वेश्चन आया था, तो वहां पर आप इसको इस तरह से लॉजिकली भी बता सकते थे, ठीक है. अब हम जो कर रहे हैं आज की तारीख में इज दैट ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी के जो बेसिक फाउंडेशन हैं, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वी आर रिप्लेसिंग इट विथ मोर कंज्यूमरिज्म और कंजम्पशन, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू डू. वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू फैमिली एंड कम्युनिटी, वी आर गिविंग इट टू स्टेट एंड मार्केट. दैट इज वाई इंडिविजुअल्स आर राइजिंग एंड नॉट द होल कम्युनिटी, विच इज अ बैड थिंग फॉर अ सोशल एनिमल. वी वर सोशल एनिमल. हमारी स्ट्रेंथ है कि हम यूनाइटेड आए, ठीक है. अदरवाइज अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो वी नो दैट ह्यूमन्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेबोरेशन, तभी जाके वो जो है ह्यूमन्स और आज भगवान बनने तक की के सपने देख रहे हैं. बट नाउ इफ वी आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, वॉट इज द फेट ऑफ ह्यूमन्स गोइंग टू टर्न इन टू. सो दिस इज ऑल समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट. अब ये चीज जो है आप कहीं कोट कर सकते हैं, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव कंडीशन एंड सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशन. ये कहा जाता है ना कि अगर मान लो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, आपके सामने आपकी फेवरेट डिश भी लाई जाए तो आपको खाना पसंद नहीं आएगा. सो इफ यू वर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश और दैट पर्टिकुलर थिंग, यू वुड फील हैप्पी डिस्पाइट योर इंटरनल इमोशंस, बट यू डू नॉट फील हैप्पी. सो दिस इज वेयर द क्रक्स लाइज, कि आप खुश चीजों की वजह से नहीं होते, आप खुश होते हैं क्योंकि आप खुशी फील करते हैं, ठीक है. द सेम थिंग इफ यू आर ईटिंग बासी रोटी विथ योर फेवरेट पर्सन, यू आर मोर लाइकली टू लाइक इट, ठीक है. तो यही चीज है जो है. और दूसरा बात जो हमको जानना है, द रोल ऑफ हैप्पीनेस इन एवोल्यूशन. नाउ दिस इज वेरी यूनिक थिंग दैट यू कैन कोट इन योर एवोल्यूशन आंसर्स, ठीक है. बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको. वॉट डिड एवोल्यूशन डू इज इट मेड श्योर दैट आर सेक्सुअल प्लेजर इज क्विकली सबसाइडिंग. अगर हमको सेक्सुअल प्लेजर लॉन्गर टाइम तक मिलता तो हम जाके फूड ढूंढने की कोशिश नहीं करते और फिर हम जिंदा ही नहीं रह पाते, ठीक है. सो वेरी स्मार्टली हैप्पीनेस को किस तरह से रेगुलेट करना है, किसको किस किस चीज़ को मोमेंटरी हैप्पीनेस की तरह देखना है, किस चीज़ को लाइक अनलिमिटेड ब्लिस जो चीज़ है उसका डिफरेंस जिसको करना आ गया वही तो फिर संत आदमी वगैरह कहलाता है. बट एवोल्यूशन मेड श्योर दैट थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर आर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस एंड एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी टेम्पररी. अगर आप खाते हैं गुलाब जामुन तो आपको टेम्पररी प्लेजर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा खाना ही पड़ेगा. दिस इज वॉट इज बीन डन.
थ्रू एवोल्यूशन. तो ये एक एडिशनल कॉम्पोनेंट आप लिख सकते हैं. अब हम अगले वीडियो में देखेंगे हाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेपियंस एंड वी विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट बुक ऑल्सो. नेक्स्ट सीरीज बुक की सीरीज अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट डाउन अंडर द वीडियोज एंड आई विल लव टू मेक दैम फॉर यू. इसके बाद हमारी जो नई सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है. दूसरी बात, सेपियंस इज नो डाउट अ वंडरफुल बुक, ठीक है. और सेपियंस का हर एक एलिमेंट जो भी हमने देखा है उन सारे चीज़ों से आप 2019 ऑनवर्ड्स 2018 19 2021 इन चारों ईयर्स में जो भी यू नो नए डायमेंशंस के क्वेश्चन आए हैं उन सबको आप आंसर कर पाएंगे. दैट इज़ माय गारंटी. दूसरी बात, अब क्योंकि सारे डायमेंशंस मोर और लेस सेपियंस की बुक से कवर कर लिए हैं यूपीएससी ने, सो अगली बुक जो वो उठाएंगे, ठीक है, उनको 4 साल लगे ये बुक पढ़ने के लिए, 4 या कह लो 2-3 साल लगे. अब अगली बुक वो उठाएंगे होमो ड्यूस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले साल में जो है होमो ड्यूस के क्वेश्चन आए तो वो फिर 2-3 साल वो पढ़ने में लगाएंगे और चीज़ें करेंगे. सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सीरीज ऑल्सो सून, बट इट वुड बी मोर बेटर इफ यू डिमांडेड, ठीक है. डिमांड होगा तो मैं सप्लाई करूंगी, तो इट वुड बी बेटर, अदरवाइज आई वुड बी फॉलोइंग द सेम लूप दैट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट series that we are going to start. Thank you so much for watching and do consider subscribing agar aapko pasand aa rahe hain to, and share it with your friends, and I will see you next time. Bye.